हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के ये वीडियो दोस्तों बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम अकाउंट पर दोस्तों आप लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि आप अपना आईडी को जैसे ही लॉगिन करते हैं तो कुछ इस प्रकार का आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका आईडी तो खुल जाता है दोस्तों, लेकिन आपको पासवर्ड पता नहीं होता है। तो आप जैसे ही उस पर सेंड ए मैसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं दोस्तों, तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है दोस्तों। उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन फेसबुक से करेंगे दोस्तों, तो आपका फेसबुक से भी अगर नहीं हो रहा है ऐसा और कुछ आपको इस तरह का एरर आ रहा है दोस्तों, उसके बाद मैं दिखा देता हूँ आपको तीन ऑप्शन दोस्तों जो कि कुछ इस प्रकार का रहा है। तो गाइस इसमें होता क्या है दोस्तों कि आप अपने जो अकाउंट को लिंक कर आपका आपने जो फेसबुक अकाउंट से अटैच करके इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट किया था दोस्तों, उसको आपने ऑन लिंक कर दिया है, मतलब आप दूसरा कोई अकाउंट बना लिया फिर उसी फेसबुक आईडी से दोस्तों, और जो ये दूसरा जो पहले वाला आईडी था दोस्तों वो आपका वहाँ से रिमूव हो चुका है। तो गाइस इस कंडीशन में होता क्या है दोस्तों कि आपका आईडी मतलब दोबारा तो रिकवर नहीं होगा दोस्तों, इसलिए सबसे बढ़िया उपाय है दोस्तों कि आप दूसरा इंस्टाग्राम का आईडी बना लें और उसी पर जाएँ बिना टाइम गंवाएं। क्योंकि दोस्तों ये जो लोग बताता है कि हम उसको रिकवर कर लेंगे कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अगर दोस्तों मेरी तरह अगर आपको इस तरह से अगर आपको मैसेज आता है दोस्तों तीनों एरर आता है, तो आप समझ जाए दोस्तों कि आपका आईडी दोबारा सा मतलब रिकवर नहीं होगा दोस्तों। तो गाइस ये छोटी सी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसी नाम से दबंग छोरा 143 के नाम से दोस्तों मेरा दूसरा इंस्टाग्राम आईडी है दोस्तों, आप लोग वहाँ पर जाइए और यही चैनल का लोगो आपको दिखाई देगा दोस्तों, आप लोग वहाँ पर जाकर उस मेरे इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कीजिए, मैं वहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार का वीडियो अपलोड करता रहता हूँ।